కరోనా కేసుల విషయంలో మహారాష్ట్ర సర్కార్ సరిగా వ్యవహరించడం లేదన్నారు మాజీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్. మరణాల సంఖ్యను తగ్గించి చూపించేందుకు మహారాష్ట్ర సర్కార్ ప్రయత్నిస్తోందన్నారు. అనుమానితులను 4-5 రోజుల్లో హాస్పిటల్లో ఉంచి కనీసం శాంపిల్ కూడా తీసుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. అనుమానిత పేషెంట్లు చనిపోయినా మామూలు వ్యక్తులలాగే అంత్యక్రియలు చేస్తున్నారని, కుటుంబ సభ్యులను క్వారంటైన్ చేయడం లేదని ఫైర్ అయ్యారు. मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर ये निवेदन किया है कि हॉस्पिटल्स में कई पेशेंट एडमिट होने के बाद सस्पेक्टेड कोविड इस प्रकार की उनकी एंट्री की जाती है किंतु उनका समय पर स्वैब नहीं लिया जाता और उनकी मृत्यु के बाद उनकी बॉडी सस्पेक्टेड कोविड के नाम से ही रिलीज की जाती है. मैंने 2 उदाहरण उनको दिए है कि किस प्रकार से पेशेंट को एडमिट करने के बाद सस्पेक्टेड कोविड लिखा जाता है, स्वैब लिया जाए ऐसा एडवाइजरी दी जाती है, आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए ऐसी एडवाइजरी दी जाती है और उनके मृत्यु के बाद उसको नॉन कोविड इस प्रकार से ट्रीट करके सस्पेक्टेड कोविड लिखा जाता है क्योंकि उनका स्वैब ही नहीं लिया जाता. मुख्यमंत्री जी को मैंने 2 केस पेपर्स भेजे हैं जिसमें पेशेंट को एडमिट करते समय सस्पेक्टेड कोविड लिखा गया, उनकी एडवाइजरी में स्वैब लिया जाए आइसोलेशन में एडमिट किया जाए ऐसा लिखा गया और एक पेशेंट तो 4 दिन हॉस्पिटल में रहा और उसकी मौत हो गई फिर भी उसका स्वैब नहीं लिया गया और बाद में मरने का कारण ये वापस सस्पेक्टेड कोविड लिखकर उसकी बॉडी रिलीज कर दी गई. और ऐसी एक ही हॉस्पिटल की 44 केसेस मेरे पास है और अलग अलग हॉस्पिटल्स की मिला के करीब 100 केसेस ऐसी है कि जिसमें इस प्रकार से बॉडी रिलीज कर दी गई है. इस प्रकार की कार्य पद्धति से भले ही कोविड से मरने वालों की संख्या में कमी दिखाई देती है किंतु उससे कई सवाल खड़े होते हैं. सबसे पहले तो चूंकि नॉन कोविड बॉडी के रूप में इस बॉडी को रिलीज किया जाता है तो उसके अंत्य संस्कार भी नॉन कोविड बॉडी की तरह ही किए जाते हैं.